हेलो यूट्यूब, यू आर वॉचिंग राइड विद देव ऑन यूट्यूब। तो हम आज आ रखे हैं टाटा मोटर्स पे टाटा हैरियर का रिव्यू करने। तो मैं आप लोगों को सीधा शोरूम के अंदर लेके चलता हूँ, फिर मिलते हैं हम लोग सीधा अपनी कार से। तो अब हम बात करते हैं गाड़ी के सीधे फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट साइड से। तो आपको बीच में टाटा की बैजिंग मिलती है ब्लैक क्रोम के साथ, ठीक है। नीचे आपको ऑप्शन मिलता है नंबर प्लेट का। तो सबसे पहले गाड़ी की लाइटिंग्स के बारे में बात करते हैं। ऊपर आपको मिलते हैं DRLs विद डे लाइट रनिंग लैंप्स बोला जाता है इन्हें, और बीच में आपको हेडलाइट मिलता है विद प्रोजेक्टर। तो मैं आपको पास में जाके फोकस करके दिखाता हूँ। ये गाड़ी में आपको प्रोजेक्टर दे रखे हैं, ठीक है, आपको फोकस हो पा रहा होगा बढ़िया तरीके से। और ऊपर दे रखा है इसमें DRS जो कि आपके डे लाइट रनिंग लैंप्स बोले जाते हैं। ये गाड़ी को दिन में बहुत ही अच्छा लुक देते हैं, और ये बड़ी ही आई कैची वाली जो कहते हैं ना, उस तरह की फिनिश दे रखी है इनमें। तो पूरा मैं आपको चेक कराना चाहूंगा। फॉग लैंप्स की बात कर रहे थे, नीचे दे रखे हैं आपको फॉग लैंप, जो कि आपको रात में गाड़ी जब आप कटिंग करते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो अब मैंने आपको दिखाया था, नीचे आपको मिलते हैं एयर फिल्टर वाला, जो कि गाड़ी को आपको एयर पास होने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो मेरे साथ जो सर जुड़े हुए हैं, सर एक मिनट आप सामने आएंगे। सर गाड़ी का सर ग्राउंड क्लीयरेंस कितना है सर? ग्राउंड क्लीयरेंस जो इसका रहेगा 205 mm रहेगा, ठीक है सर। जमीन से जो इसकी ऊंचाई रहेगी, लैंप रहेगी 17 नंबर इसका टायर आ जाएगा। अच्छा अच्छा, ऑटो हेडलैम्प आपकी आ जाएगी बिल्कुल। रात में जैसा अंधेरा होता है, वैसे जैसे इसकी रोशनी जो आपकी विजिबिलिटी बढ़ती रहती है। तो अब हम गाड़ी जी, अब गाड़ी की साइड प्रोफाइलिंग के बारे में आते हैं। सबसे पहले मैं आपको गाड़ी की साइड प्रोफाइलिंग चेक कराता हूँ। गाड़ी देखने में साइड से कुछ इस तरीके से है, ठीक है, पूरी गाड़ी आप चेकआउट कर सकते हैं। अब सीधी बात करते हैं गाड़ी के अलॉय व्हील्स के बारे में। तो सर अलॉय व्हील के सर ये डायमंड कट वाले हैं, क्या नाम दिया है? जी जी, आपको 205 ग्राउंड क्लियर लेंस है इसका, जो कि सर मेरे हिसाब से एक इनफ और बहुत बेटर है। मतलब जो हमारे इसको लेने वाले ओनर्स होंगे उन्हें इससे लेके कोई शिकायत नहीं आएगी गाड़ी में, ठीक है जी। तो आपका ये था अलॉय व्हील, एक बार आप पूरा चेक कर लो अलॉय व्हील के साथ। अब साइड प्रोफाइलिंग सर ये ऑटोमेटिक वाले हैं ORBMs? विद इंडिकेटर्स। तो अभी मैं आपको पूरा जला के और सारा कुछ चेकआउट कराऊंगा। पहले मैं गाड़ी के पूरे आपको एक व्यू कहते हैं ना, रिव्यू वाला दे देता हूँ पूरा गाड़ी में लुक। आपको गाड़ी के पीछे मैं आपको लेकर आ रहा हूँ। गाड़ी के जो पीछे आपको लुक मिलेगा इसका ऐसा, हैरियर की पीछे बैजिंग मिलती है टाटा मोटर्स का, फिर से आपको बीच में मिलेगा। सर ये रियर वाइपर्स है आपका, ऑटोमेटिक वाला है जी। डिफॉगर्स भी हैं, डिफॉगर की आप लाइटिंग चेक कर सकते हो। ये जो लाइटें हैं ये डिफॉगर है जी। सर क्या कह रहे थे? कोयला वगैरह पड़ता है उस वगैरह पड़ जाती है जो जी, उसमें आपके काम आते हैं ऑटोमेटिक। जैसे आप अंदर का बटन दबाएंगे पीछे की जो फॉग होगी वो आपकी सारी हट जाएगी। अच्छा, विजिबिलिटी आपको अच्छी। तो ये है भाई डिफॉगर का काम। अब सर थोड़ा आप इसके बारे में बता दीजिए, लाइटिंग के बैक लाइट के बारे में। ये बैक लाइट दे रखी है, इंडिकेटर के साथ आपको दे रखा है, जैसे गाड़ी इंडिकेट करते हैं जैसे मोड़ते हैं कहीं जी जी, आपके इंडिकेटर आपको काम करते हैं जी। अब ये नीचे आपको सर ये आफ्टर मार्केट ऑप्शन है आपका, नहीं तो ये आपके जलते नहीं है, कंपनी ने आपको दे रखे हैं जी। ये इन्हें हम रिफ्लेक्टर्स बोलते हैं। अब गाड़ी की जो सेफ्टी वाइज बात करते हैं, जब गाड़ी को हम बैक करने में जो आसानी रहती है वो है हमारे रियर पार्किंग सेंसर। तो सर सेंसर सर विद कैमरा, तो कैमरे की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे होके मिलेगी, कैमरे की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर मिलेगी आपको, ठीक है जी। तो ये आपके स्टेयरिंग के संग अटैचमेंट है इसका। तो अब हम गाड़ी के बूट स्पेस की बात करते हैं। तो जब ये आपने खोला तो पार्किंग लाइट्स भी जलेंगी इसकी। तो सर आप थोड़ा सामने आइए। 25 का आपको इसमें बूट स्पेस मिल जाएगा जी। इससे नीचे जो आपकी स्टेयरिंग फिट रहती है, यहाँ पे आपको पूरा लगेज रखने के लिए। हाँ जी, आप फोल्ड करना चाहते हैं सीट भी आपकी फोल्ड हो जाएगी। ऊपर आप इस पे रियर पास ट्रे दे रखी है, इस पे भी आप सामान रख सकते हैं। गाड़ी में आपको मिलती है लाइट जो कि आपको रात में बहुत ही सब ऊपर दे रखे हैं। सब ऊपर दे रखे हैं सर, ये ऊपर JBL के JBL के मिले। सर आप थोड़ी इसकी स्टेपनी खोल के दिखाएंगे हमारे व्यूअर्स को। नहीं देखिए, क्योंकि ये आपको वैसे छोटी मोटी चीज होती है वो आप इसमें रख सकते। अच्छा, तो स्टेप नीचे से ही निकलेगी। हाँ, जी जी जी, ये आपका बॉक्स है, अपना टूल पूरा किट है, बहुत मस्त ये फीचर है आपका। बूट स्पेस रहेगा 425 लीटर का रहेगा,
से अंदर फोल्ड भी कर सकते हैं इसको आप। अगर फोल्ड करते हैं इसको तो 810 लीटर का आपका बूट स्पेस आ जाएगा, जिसमें आपको लगेज ज्यादा रख सकते हैं। अगर गाड़ी में दो लोग जा रहे हैं और उन्हें लगेज ज्यादा चाहिए तो आप इस सीट को फोल्ड करके अपना बूट स्पेस बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सर इसे करते हैं बंद। अब बात करते हैं साइड पैनल्स की। पीछे और कुछ अगर रह रहा हो बताने को तो बता दीजिए आप। ओके सर, तो अगर आप लोगों को समझ आ रहा हो आपके फीचर्स वाइज गाड़ी है तो आप लोग जा सकते हैं। अब गाड़ी की साइड प्रोफाइलिंग आपसे भी चेक कर लो, सेम ही है एकदम मस्त। लोग आप देखिए कितना मस्त आ रहा है। स्पेस रहेगा, तीन लोग आराम से पीछे बैठ सकते हैं। ये आपके पूरे ऑटोमेटिक दे रखे हैं, जैसे आप बैठते हैं गाड़ी स्टार्ट होती है और 20 की स्पीड में जाती है गाड़ी, आपके चारों डोर ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएंगे। तो ये एक सेफ्टी फीचर है सर हमारा। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सर आप एक बार गाड़ी में बैठ के दिखा दीजिए। जी सर। तो सर आप बैठ के दिखा रहे हैं आपको गाड़ी में। सर इस तरीके से अपनी गाड़ी में कंफर्टेबली बैठ गए सर आप? ठीक है सर। अच्छा, तो ये आर्म रेस्ट भी है सर, नई गाड़ी है, पन्नी अन्नी हटा के आपको चेक करा रहे हैं। तो ये गाड़ी में आपको मिलता है आर्म रेस्ट विद कप होल्डर। सर एक बार हाथ आएंगे आप अपना तो आप लोग चेक कर सकते हो, दो कप यहाँ पे आराम से आ सकते हैं। जी सर बताइए आप अपना। जैसे दो लोग बैठे हुए हैं तो आराम से आप हैंडरेस्ट रख सकते हैं, जैसे पानी गिलास वगैरह है वो आप रख सकते हैं। बिल्कुल, वो आपका वैसे ही रहेगा जैसे गाड़ी चला रहे हैं। और सर आपकी हाइट आपको पता होगी क्या होगी सर आपकी हाइट? मेरी तो लगभग 5'5" है। तो सर आपको सर जो हेड रेस्ट कहते हैं, बिल्कुल आप 6 फुट के हो समझिए कि तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं। ये आपका हैंड रेस्ट आ जाता है। जी हेड रेस्ट है, जी जी एडजस्टेबल हेड रेस्ट है। तो अब गाड़ी में जो सर व्यूअर्स हमारे चाहेंगे वो है पैनारोमिक सनरूफ। तो इसके लिए हम जल्दी से बात करेंगे, पहले मैं आपको गाड़ी और चेकआउट करा देता हूँ। जब मैं आपको सामने की बात बताऊंगा तब मैं आपको पूरा पैनारोमिक जो सनरूफ दे रखा है पूरा मैं चेक कराऊंगा। अब आप इसे सनरूफ भी कहते हैं, कुछ लोग मानसून सनरूफ कहते हैं, तो सब हिसाब से चलेगा अपना। तो सर गाड़ी से बाहर आ रहे हैं। सर गाड़ी में मिलती है आपको कीलेस पार्किंग एंट्री दोनों साइड से। ठीक है, जी जी गाड़ी लॉक कर सकते। तो ये आपकी ऑटोमेटिक है, चेक कर सकते हो आप इजीली आराम से बैठ सकते हैं इसमें। जी जी, तो गाड़ी में जी, तो सर आप उधर से पहुंचिए मैं यहाँ बैठता हूँ, फिर सर आपको बताएंगे। तो चलते हैं सीधा गाड़ी के अंदर। तो हम लोग आ चुके हैं अब गाड़ी के अंदर, तो सर भी बैठ चुके हैं। तो सर सबसे पहले हम इग्निशन से अपना स्टार्ट करते हैं। तो आप पहले गाड़ी में सर पुश स्टार्ट बटन दे रखा है। जी सर शो कराइए मुझे कहाँ कीलेस एंट्री है। जी आप चेक कर सकते हो उसे, ये आपका दिया हुआ थोड़ा। ठीक है, ओके सर। तो आप थोड़ा सा यहाँ से पुश करा आपने और ये आपकी गाड़ी सर स्टार्ट कर दीजिए। गाड़ी स्टार्ट करेंगे तभी से जब क्लिच दबाएंगे तभी गाड़ी आपकी जो है आपकी स्टार्ट होगी। जी जी, बाहर क्लिच दबाए गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। जी जी, गाड़ी हो गई है स्टार्ट और गाड़ी सर पता भी नहीं लगा कब स्टार्ट हो गई, इतना साइलेंट इसमें फीचर है। तो गाड़ी में सबसे पहले मैं आपको ये चेकआउट करा देता हूँ। गाड़ी में आपको एसी वेंट्स मिलते हैं 1, 2, 3 और वो 4। ठीक है, आपको उधर दिख रहा होगा। अब गाड़ी की बात कर लेते हैं हम ये एयर बैग के बारे में। सर गाड़ी में कितने एयर बैग हैं? अगर सर सेफ्टी नॉर्म्स में देंगे 6 एयर बैग आते हैं आपके, 2 फ्रंट पे मिलेंगे, 2 आपके रियर होंगे, 2 उससे भी रियर मिल जाएंगे आपको। सेफ्टी नॉर्म्स में 6 एयर बैग दे रही है कंपनी, जिससे कि आपको कोई इम्पैक्ट कभी होता है भविष्य में तो आपको जो गाड़ी की जो शरीर में इंसान की जो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, एम्प्लॉय जो बैठा है उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी सर कहना चाहते हैं। ठीक है, तो सर इसे सर क्या बोलते हैं सर? ये वुडन फिनिश मुझे लग रही है। 3 टोन में आपका आ जाता है, ये आपका वुड फिनिश आ जाता है। जी जी जी, दूसरा टोन जी आपका। तो ये बहुत ही सॉफ्ट टच है आपका, ठीक है ना, सॉफ्ट टच है ये। मैं बताता हूँ आपको सर, बताइए क्या मैं सही बता रहा हूँ? जो आपकी हीट होती है उसे ये एब्जॉर्ब करता है, आपकी गाड़ी में जो कूलिंग हो रही होती है उसे ये बहुत कई हद तक रोकता है, यहाँ तक कि आपकी कूलिंग में कोई असर नहीं आने देता। अब बात करते हैं गाड़ी के बूट इसके कूल बॉक्स। सर ये कूल बॉक्स है ना सर? जी, डैशबोर्ड में जो आपका दिया हुआ है इसमें आप हल्का फुल्का जैसे लैपटॉप। जी, तो सर ये कूलिंग वाला है? कूलिंग वाला। ठीक है सर, कूलिंग वाला है ये। तो इसे करते हैं बंद, विद लाइटिंग है, चेक कर लो आप पूरा अंदर स्पेस। ठीक है, अब आपको वैनिटी के लिए यहाँ पे मिलती है आपको ये पूरा यहाँ पे आपको अपना विद एलईडी, तो आपको चेक कर सकते हो। ठीक है ना, इसमें आपको पूरा मिल रहेगा ऑप्शन। अब सर आपकी तरफ सर क्या मिलता है इसमें? वैनिडिटी विद लाइट मिलती है कि नहीं? नहीं, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिलता है क्योंकि जी जी ड्राइव कर रहे हो तो सेफ्टी फीचर्स के मारे आपको बंद रखा है। अब गाड़ी में बात करते हैं कि ऑटोमेटिक ये आपका मिरर है जो कि IRVM ORVM दोनों है आपका इसमें। सर ये अभी आपका यहीं से एडजस्ट होगा बंद करके, ये ऑफ हो गया और ये आपका ओपन हो गया, तो आप चेक कर सकते हो, बड़ा ही जबरदस्त है। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी परचेज करोगे तो कोई भी अपना सामान रख सकते हो। सर जो मेन चीज होती है आदमी जिसके लिए बहुत ही एक्साइटेड रहता है, सीधी बातों में कहूँ तो वो ये सर जो इन्फॉर्मेटिव सिस्टम दे रखा है इसके बारे में थोड़ा मेरे व्यूअर्स को अच्छे से बताइए। इसमें सर जो आपका टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम आएगा JBL का 8.8 इंच का, इसमें जो स्पीकर दिए हुए हैं JBL ने अपने दिए हैं और
चार स्पीकर दे रहे हैं, चार ट्विटर, दो सबवूफर आपके, ठीक है, चार स्पीकर, चार ट्विटर और दो सबवूफर, जी जी बिल्कुल। जो ट्रांसमिशन म्यूजिक सिस्टम दिया है काफी कॉस्टली होता है जी, इसमें सारे फीचर। सर सबसे पहले बताइए कितने इंचेस का है ये? 8.8 इंच का है लगभग जी सर। तो सर इसमें सर हम एप्पल कार प्ले भी देख पा रहे हैं इसमें जी सर, एंड्रॉइड ऑटो भी है, रेडियो भी है, यूएसबी भी है। तो सर इसमें सबसे पहले आप इसका अपना म्यूजिक चेक करा दीजिए, जो उसका साउंड का इफेक्ट है, तो जो टाटा डेमो देती है उसे लगाइए। तो सर आपको लगाते हुए दिखाएंगे पूरा कैसे लगता है ये। जी ये तो ब्लूटूथ कनेक्टिंग बता रहे हैं सर आप, सेटिंग्स में गए हम, सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग्स और अपर जाएंगे आप। अच्छा अच्छा, काफी फीचर जी जी जी, तो फीचर्स बहुत हैं, ऑक्स है, बीटी, अपना ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ करने के साथ कॉन्टेक्ट नंबर है वो आएंगे, ड्राइवर नेक्स्ट एंड नेमो डेमो, ठीक है ना, थीम्स भी हैं आपकी, आईपॉड भी आपका कनेक्ट हो सकता है, मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दिया था। तो साउंड डेमो हम आपको चेक कराते हैं जी सर, ट्रैक वन ही बजा दीजिए सर। तो सर वॉल्यूम सर इसकी यहाँ से एडजस्ट वॉल्यूम होगी आपकी जी, यहाँ से करना चाहिए स्टीयरिंग से, वो उसी तरफ मैं अभी आऊंगा। तो ये आपका है पूरा, तो आवाज रखते हैं, चेक करिए आप। भाई गदर साउंड है सर इसका, मतलब बेस तो उसका इतना तगड़ा है ना, म्यूजिक सिस्टम आपको मिल ही नहीं सकता किसी। तो ये अब मैं आपको सीधा स्टीयरिंग की तरफ लेकर आता हूँ, जो कि मैं आपको पूरा वो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर वगैरह वगैरह मैं आपको समझाता हूँ। तो चलते हैं सीधा स्टीयरिंग की तरफ इन 3, 2, 1। तो हम आ चुके हैं ड्राइवर सीट की तरफ। तो सर मिलिए सर से मैं पूछना चाहूंगा, सर ये जो सीट दे रखी है ये सर ऑटोमेटिक है? ये ऑटोमेटिक एडजस्टेबल, सिक्स वे आपकी सीट है जी, सर सीट है सिक्स वे आपकी। तो सर इनका ऑप्शंस क्या 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 काम रहता है? ये आप सीट को आप जैसे कि अभी तो बंद है गाड़ी जी, उसे आप आगे पीछे कर सकते हैं जी सर, आप ऑन कर लीजिए गाड़ी को आराम से। तो सर कर रहे हैं गाड़ी ऑन, तो ये फुल स्टार्ट वाली गाड़ी है, तो सीट आपने दबाई ऑटोमेटिक जी जी, आपको आगे जी जी पूरी गाड़ी आगे हो रही है सीट, मतलब सीट पूरी आपकी जी। अब सर पीछे करिए आप इसको, तो आप एक नंबर, मतलब आपका ये ऑटोमेटिक वाला रहता है, सिक्स बे एडजस्टेबल सीट है ये आपकी। और सर ये इसका क्या मतलब है, पीछे बटन दे रखा है, ये आपके हेल्थ का है वो पीछे लेग वाला जी। ओके तो सीट आप चेक कर रहे हो, आपको लंबर सपोर्ट दे रखा है, लंबर सपोर्ट दे रखा है वो आपको जरूरत नहीं पड़ती जी जी जी। आपको सर मैं चेक कराता हूँ इसमें लंबर सपोर्ट, आप हाँ ढाई सर, एक मिनट आप अपना जी, आप फोकस हो पा रहा होगा इस पर, ये दे रखा है ठीक है। तो पन्नी की हमारी दिक्कत हो रही है बट ठीक है, अब मैं गाड़ी के बैठता हूँ अंदर और आप लोगों को फीचर्स चेक कराता हूँ गाड़ी के। सबसे पहले तो सही हमारे इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर दे रखा है गाड़ी में, जो कि देखने में कुछ इस तरीके से सर ये बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। डिजिटल मीटर में आ जाता है आपका, इसमें सारी चीजें आपको शो करती हैं, जैसे कि सर्विस रिमाइंडर है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होती है वो, जैसे गाड़ी की आपकी कोई भी जी सर, तो आप बता देते सर्विस के लिए बता देता है, ड्यू सर्विस आ रहा है, सर्विस रिमाइंडर भी है इसमें, फ्यूल का भी है, कितना फ्यूल है और इतने फ्यूल में आपकी कितनी गाड़ी किलोमीटर चल जाएगी जी, सारी चीजें बताएंगे। गाड़ी में कोई दिक्कत होती है तो आपका डिजिटल मीटर दिया हुआ है, सारी चीजें आपको, जैसे कोई भी दिक्कत होगी आपको डिजिटल मीटर पता चल जाएगी, तो आप सर्विस जो आपके इंडिया सर्विस सेंटर होता है उस पर आप गाड़ी दिखा सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम होती है गाड़ी में बिल्कुल, तो सारी चीजें आपको बता देगी कि इलेक्ट्रॉनिक चीजें हो गई हैं ये सारी चीजें। अब आपको ये नहीं लगता है कि गाड़ी में कोई कमी तो नहीं है, अगर जो भी कोई कमी रहती है जी, तो आपको ये आपको डिजिटल मीटर देगा उसमें सारी चीजें शो करती है जी जी। जैसे कि आपकी कोई डोर वगैरह खुला रह जाता है या कोई भी चीज रह जाती है खुली हुई तो वो हमें नोटिफ करता रहेगा जी। तो सर मैं बताना चाहूंगा ये जो स्टीयरिंग आपको मिल रही है ना, ये इतनी बढ़िया फिनिश में सर, ये लेदर स्टिचिंग वाला है, ये पूरा लेदर आपको सॉफ्ट टच में मिल रहा है, बहुत ही अच्छा लगता है पकड़ने में, और ये आपको क्रोम वाली जो फिनिश देती है गार्निश बोल के हम, तो ये बहुत ही बढ़िया है। सोरन में आपको चेक करा दूंगा, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये हमारा वॉल्यूम प्लस माइनस का, कॉल का और ब्लूटूथ का, ये आपका यहीं से पूरा इन्फॉर्मेटिव सिस्टम, अगर आप ड्राइवर अकेले गाड़ी चला रहा है यहीं से पूरा ये कंट्रोल हो जाएगा आपका। ये आपको क्रूज मोड गाड़ी में मिलता है जी हाँ, जो कि एक बहुत ही सेगमेंट में फर्स्ट इन सेगमेंट कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आदमी मांगता ही मांगता है, तो ये हमारा क्रूज मोड का ठीक है ना, क्रूज हिल होल्ड का है। तो सर पहले आप ऑटोमेटिक एसी है इसका जी, ऑटोमेटिक एसी क्लाइमेट, क्लाइमेट कंट्रोल है इसका, ऑटो ऑटो भी लगी हुई है अभी चालक जी, आप जैसे बढ़ाना चाहते हैं तो उसको ऑटो नॉर्मली कर लें नॉर्मल जी। तो ये है आपका डिफॉगर्स के लिए, ये आपका आएगा फ्रंट वाइपर के लिए फॉग जमता आएगा, तो ये आपका गाड़ी का हमेशा ऑन रहना चाहिए, जो कि आपकी गाड़ी की अंदर की हवा बाहर कर देता है ठीक है जी। और अब गाड़ी के जो आपका ट्रांसमिशन बोलते हैं हम इसे, ये मैन्युअली एडजस्टेबल है, सिक्स स्पीड का इसमें आपको मिलता आएगा गियर बॉक्स ठीक है। ये आपका मतलब कि इस गाड़ी में जो सबसे फर्स्ट इन सेगमेंट आया है उसे हम कहते हैं, इस हैंड ब्रेक को सर मैं लगा के दिखाऊंगा जी सर। सो इसमें नीचे आपको बटन दे रखा है, उसे आपको करना है पुश, और ये पूरा आपका
ऐसे करके लगा हुआ है, अभी हट गया और ये आपने हट गया ये, ठीक है, और आपको लगाना है तो बटन दबाया और ये आपका लग गया, मतलब हटाना है तो बटन दबा के, और आपका ये ओके प्लेन वाला है जो आपको सामान भी रखने का थोड़ा मिलता है। सर गाड़ी में हम बात करते हैं मेन, कितने इस गाड़ी में मोड्स हैं, ये जो आपको दिख रहा होगा आपके जो मोड्स हैं जो आपको केवल हैरियर वाले या टाटा में ही मिलते हैं, किसी अदर कंपनी में कोई गाड़ी ऐसी नहीं दे रही है जिसमें आपको तीन मोड तो आपको आ जाते हैं, जैसे सिटी, इको और स्पोर्ट मोड। सर ये सिटी मोड है, ये इको है, ये स्पोर्ट्स है, और एक रफ एंड टफ वाला भी है। रफ और वेट मोड आता है, जैसे गाड़ी के जैसे सड़क कहीं खराब होती है, हाँ जी हाँ जी, तो गड्ढे वगैरह होते हैं, उसे आप रफ मोड लगा लेंगे तो गाड़ी का जो आपका इंजन पे जो जोर पड़ता है वो आपको नहीं पड़ेगा और एवरेज भी आपका सेम रहेगा, तो गाड़ी में अनकम्फर्ट। अभी सर गाड़ी कौन से मोड में लगी है, हम कैसे पता लगाएं? सर आप घुमाएंगे इसको जैसे कि, जी सर आप घुमा रहे हैं, वेट मोड एक्टिवेटेड, देखिए वेट मोड एक्टिवेटेड और पूरा आपको शो करके दिखा रहा है सर, और घुमाइए थोड़ा सा आप, सर इसे घुमा रहे हैं यहाँ से, रफ रोड मोड एक्टिवेटेड, रफ रोड मोड एक्टिवेटेड। सर इसे मतलब हम गाड़ी खड़ी करके ही लगाएं कि चलते चलते लगा दें? सिटी ड्राइव मोड ठीक है, चलाते समय भी आप लगा सकते हैं, ये सिटी ड्राइव आ जाएगा, जी जी, शहर में चलाते हैं अगर तो सिटी ड्राइव लगा लेंगे, और आपको वेट मोड एक्टिवेटेड। तो सर एक बार मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ कितना ये इजिली घूम रहा है, देखो डिस्टेंस सिटी ड्राइव मोड में लग चुकी है, ये आपका हिल असिस्ट का जो कि बम्पर टू बम्पर जब ट्रैफिक होता है उसमें हमें ये हेल्प करता है। सर अब हम बाय चांस जैसे गाड़ी बंद हो जाती है, गाड़ी का जैसे आप गाड़ी खड़े की वो बाय चांस बंद हो गई, या न्यू ड्राइवर होते हैं उनके लिए होता है कि बाय चांस नहीं बंद चला सही से नहीं चल पा रही गाड़ी तो बंद हो जाती है, तो हिल रोल आपका काम करता है जिसमें कि आपको आसानी रहती है गाड़ी चलाने में, 3 सेकंड का टाइम मिलता है, आप अपनी गाड़ी एक्सीलेट कर सकते हैं जी। अब सर आप मुझे ये सनरूफ चेक करा दीजिए, पैनारोमिक सनरूफ है सर, ये पैनारोमिक फर्स्ट इन सेगमेंट है सर, ये टाटा हैरियर में सबसे बड़ा आपको सर, ये वन टच है, सर ने टच करा, सर आपने टच कराने से एक मिनट, वन टच है ना सर ये, तो वैसे वन टच ही है जी, अभी मैं करके दिखाता हूँ, सर ने थोड़ा ठीक करा था तो ये आपको पूरा है सर, इसमें कोई भी आदमी खड़ा हो सकता है, आप पूरे आराम कर सकते हैं जी। तो सर इसे आप वन टच में ही बंद करिए, देखो आप सर पुश करेंगे कस के, एक मिनट रुक सकिए सर, ये आपका पूरा है ठीक है भाई, वन टच ऑटोमेटिकली ये आपका हो गया बंद, वन टच है ये। अब इसमें सर एक फीचर हो रहा है जहां तक सर मैं जानता हूं, अगर आपकी एकदम से रेन होने लगे तो ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे जी सर। तो सर मैंने सर जहां तक गाड़ी में हम लोगों ने कोई फीचर छोड़ा नहीं छोड़ा, अब हम बात करते हैं लाइटिंग की, सर थोड़ा लाइट जला के दिखाइए मुझे गाड़ी में आप, आपकी लाइट तो हो जाता है ठीक है, ये लाइट जल जाएगी सर, ये क्या है, ये स्पीकर है, ये आपको केवल ऐसी शो वाला है, यहाँ सनग्लास होल्डर नहीं मिलता है इस गाड़ी में, जो कि अपना प्रेफरेंस देख सकते हैं, गाड़ी में आपको पोर्ट होल से गुजरने के लिए ये आपको मिलते हैं, ये हैंड में रेस्ट करने वाले यहाँ पे आपको नहीं मिलता क्योंकि ड्राइवर साइड होती है ये, तो गाड़ी आपको देखने में कुछ ऐसी थी ठीक है, आपको मैंने पूरी गाड़ी चेक करा दी है, ये हमारा हैंड रेस्ट, इसमें आपको 12 वोल्ट का चार्जर और सर ये आपका ऑक्स यहीं पे मिलेगा आपको गाड़ी में, ये आपका 2 का फोल्डर मिलेगा गाड़ी में, ये आप कुछ सामान रखना चाहें सर, गाड़ी की जो की है वो थोड़ा मुझे चेक करा दीजिए, ये आपकी की दो गाड़ी की की ऐसी है पूरा यहीं से आपका होगा, ये सारी चीजें जी, ये आपका गाड़ी के जैसे ऑन करने वो हो गया, जी जी डिग्गी का हो जाएगा जी, तो आप फोकस हो पा रहा है इसमें बढ़िया तरीके से ठीक है ना, ठीक है तो अब चलते हैं गाड़ी की साइड में, तो हम आ चुके हैं गाड़ी के इंजन में, तो गाड़ी का पहले मैं आपको इंजन चेकआउट करा देता हूं कैसे देखने में लगता है, तो ये है गाड़ी का पूरा इंजन, ये आपकी बैटरी रखी हुई है, तो सर गाड़ी में सर कितने सीसी का इंजन हम लोगों को मिलता है, क्रायोटिक जो कि आपको ये बैजिंग हुई मिलेगी, क्रायोटिक 170 इंजन जो सर ये 770 लिखा है, 170 170 पावर जी जी, तो सर बताइए कितने सीसी की गाड़ी है ये, 56 सीसी इंजन आएगा, 2.0 बोल रहा है जी, सर ये गाड़ी पेट्रोल में, ये सर डीजल में ही आती है, इसमें पेट्रोल वर्जन नहीं आता, अच्छा तो ये बहुत ही क्लेरिफाई करने की चीज है, आप लोग पहले ही समझ जाएं कि ये गाड़ी पेट्रोल में नहीं आती है, तो गाड़ी ये पेट्रोल में नहीं है, अब आप लोग अगर पेट्रोल की सोच रहे थे तो ये आपके लिए फीचर है, आप अपना डिसाइड करें जी सर, BS6 में सर ये BS6 में आएगा जी सर, टॉर्क है इसका 350 जी सर, बूट स्पेस वगैरह की बात हमने करी ली थी, ग्राउंड क्लियरेंस एक बार और बता दीजिए सर आप, ग्राउंड क्लियरेंस का जो रहेगा 205 mm का रहेगा जी, जिससे कि गाड़ी काफी ऊंची लगती है और 17 नंबर टायर आ जाता है जी, तो हाई लेवल की गाड़ियां में आता है तो ये गाड़ी एक तरीके से SUV परफेक्ट SUV है, आप इसे कहीं भी ले जाना चाहे ले जा सकते हैं बहुत आराम से, तो अब वीडियो करते हैं हम एंड, अगर अच्छी लगी हो वीडियो को तो लाइक शेयर कमेंट सर करना ही है, अभी हम वीडियो के एंड में आते हैं सीधा, तो मिलते हैं वीडियो के एंड में आपसे, करते हैं वीडियो को एंड, तो सर से मैं आपको मिलवा देता हूँ, अगर आप लोग गाड़ी को सोच रहे हैं लेने के लिए तो कहाँ आ सकते हैं,
किससे मिल सकते हैं, तो मैं सारी चीजें आपको सर से बताता हूँ, सर बता दीजिए और अपना एक बार नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए मेरे को। सर मेरा नाम मोहित तिवारी है, ये एलआरपी टाटा मोटर्स पुलखर में है इटावा। आप मेरा मोबाइल नंबर है 8923231723 और सीरियल नंबर मेरा 6399155515। सर का नंबर मैं नीचे फ्लैश करता हुआ दिखा दूंगा आपको, स्क्रीन में नीचे फ्लैश हो रहा होगा और सारी चीजें लोकेशन वगैरह भी सर आपको बताएंगे भी और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब चीजें डाल दूंगा। सर एक बार अपनी लोकेशन बता दीजिए कहाँ पर आना है। जी सर आपका पिलखर में है, पिलखर इटावा, एलआरपी टाटा मोटर्स पिलखर इटावा। सर अपनी जो लोकेशन है गूगल पर है ना सर? हाँ बिल्कुल। तो आप गूगल पर सर्च कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीजें दे दूंगा। तो भाई गाड़ी में सर हम लोगों ने सर्दी को छोड़ा हो, अगर आप लोग प्रेफर कर रहे थे इस गाड़ी को लेने के लिए, बेस्ट चॉइस है टाटा की, ठीक है। अब सर जो प्राइस की बात आती है तो मैं अपने चैनल पे नहीं करूंगा क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे होता हो सकता है और आप लोग कहेंगे कि भैया आपने इतने का बताया था और अब इतने का हो गया, तो इसलिए जो भी है सबसे आप आके मिलना बात करना तो सर बताएंगे। तो सर करते हैं वीडियो को एंड, थोड़ा सा लोगों से कहेंगे लाइक कमेंट सर इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए ज्यादा ज्यादा। तो मैंने सर से करवाया है पर आप लोगों को समझना है, सर ने भी कहा है, ठीक है भाई। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि वीडियो सही बन रही है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तो करने के, शेयर कर दो वीडियो को। तो करते हैं इस वीडियो को एंड, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको तो बेल आइकन नोटिफिकेशन का जो बटन है वो आपको प्रेस करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।